कलेक्टर एसपी सहित फ्रंट लाइन वर्कर ने लगवाए कोविड-19 के टीके। टीकमगढ़ में कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का प्रथम चरण में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन में वैक्सीन लगाया गया, जिसके तहत जिला चिकित्सालय स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र में फ्रंट लाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। गुरुवार को कलेक्टर सुभाष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, SDM सौरभ मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर CP पटेल, विकास आनंद डिप्टी कलेक्टर, अभिजीत सिंह डिप्टी कलेक्टर, हर्षिल चौधरी सहित सिविल सर्जन अमित चौधरी, डॉक्टर अमित शुक्ला मौजूद रहे। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने जिला चिकित्सालय स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण कराने के उपरांत जिले के समस्त फ्रंट लाइन वर्कर से अपील की है कि वो भी अतिशीघ्र कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण कराएं, ताकि स्वयं सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षा प्रदान करें। तो वहीं SP श्री खरे का बयान, कहा कोरोना वैक्सीन अभेद सुरक्षा कवच है। कैसा लगा और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? टीका लगवाने के बाद आधे घंटे वेट किया, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे जैसी सूचना आ रही है कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लिस्ट हम लोगों को दी गई है उसके हिसाब से 100% पुलिस ऑफिसर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको ये टीका लगवाना है, और इस संबंध में पहले ही से निर्देश हैं और उनका पूरा पालन कराया जा रहा है। सभी को लगाया जाएगा, उनका नाम इसमें है, और ये इसमें ढील बिल्कुल भी ना हो, सभी लोग लगवा लें। ऐसा मैसेज, ऐसा लग रहा है कि लोगों में एक डर जैसा था कि कोविड-19 का कहीं साइड इफेक्ट ना दिखना, अभी तक तो यहाँ ऐसा कोई नज़ारा नहीं लगा है। कैसा लग रहा है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते? आज हमने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का टीका फर्स्ट डोज लिया है, और आधे घंटे हमने फिर देखा भी है उसका असर, बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से अपील है कि जिनका भी आज टर्न है या कल टर्न है, वो निडर हो के इसको लगवाएं।